नमस्ते मैं हूँ आपकी शमिता आज हम बनाने वाले हैं पर्पल कैबेज से कुछ अलग सा तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ये देखिए पर्पल कैबेज कितना अच्छा कितना खूबसूरत कलर है ये बहुत इससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं हमारी बाड़ी के लिए इससे स्किन अच्छा होगा डाइजेशन अच्छा होगा और ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है और बोन स्ट्रेंथ्स के लिए हार्ट के लिए सब अच्छा है तो आज से इस आज इससे एक रेसिपी मैं देखिए इस तरह कट करके इसे इसका ये न, कट, न, ये कट कर लूँगी वो वाइट वाला वो डेट के जैसा है वो कट कर दूँगी कितना अच्छा है देखिए ये देखिए इसे निकाल कर इसे बारीक से कट कर लूंगी इस तरह इस तरह बारीक पीसेस के कट देखिए इस तरह पूरा कट कर ली हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा देखिए थोड़ा लहसन भी बारीक कट करके रख ली हूँ अब एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डाल लूँगी फाइव सिक्स टेबल स्पून जितना ऑयल डाल लूँगी इसे गर्म होने के बाद इसमें बगार के लिए थोड़े राई डाल लूँगी देखिए थोड़े राई डालकर और थोड़ा जीरा डालूंगी अब देखिए इसमें मैं दो लाल मिर्च इस तरह तोड़कर डालूंगी इसे थोड़ा सौटे करके थोड़ी चने की दाल और थोड़ी माश की दाल भी डाल लूँगी और इसको थोड़ा सा आटे करके इसमें लहसन डाल दूंगी बारीक कट करके इसको इसमें तेल में थोड़ा अच्छा तल लूँगी अब थोड़ा कड़ी पत्ता डाल लूँगी फ्रेश कड़ी पत्ता है देखिए इस तरह इसको डाल लूँगी अब इसमें सारा कैबेज डाल दूंगी इसको इसमें अच्छे से मिक्स करके तरह अच्छे से मिक्स करके पानी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं इसी में पानी छूटेगा देखिए अच्छे से मिक्स कर दी थोड़ा साल्ट डालूंगी स्वाद अनुसार और थोड़ी देर पकने रख दूँगी एक फाइव मिनट्स के लिए पकने रख दूंगी देखिए अब एक टू हरी मिर्च दो हरी मिर्च को इस तरह कट करके मिक्स करी पाँच मिनट के बाद थोड़ी हल्दी इसको मिक्स करके और थोड़ी एक फाइव मिनट्स पकाऊंगी लिट क्लोज करके पकाऊंगी देखिए अच्छे से पक गया बीच बीच में एक दो बार हिलाऊंगी इस तरह हिलाएंगे तो वो बैठेगा नहीं अच्छा नरम हो गया देखिए कैबेज अब देखिए थोड़ा लाल मिर्च डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालिए और धनिया पाउडर एक स्पून डालूँगी ऑलरेडी हमने हरी मिर्च डाली है और सूखी मिर्च भी डाली है ना इसलिए लाल मिर्च आपको चाहिए तो ऐड कर सकते हो नहीं तो नहीं धनिया पाउडर एक स्पून डालकर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ अच्छे से पक गया है देखिए अब थोड़ा हरा हरिया धनिया डालूँगी बारीक कट करके और इसको भी अच्छे से मिक्स करके अब इसको सर्व करूँगी अच्छे से पक गया ये साल्ट देखकर ऐड कर, कर लीजिए ये रोटी के साथ और राइस के साथ भी अच्छा रहेगा साइड करी के जैसा देखिए कितना अच्छा लग रहा है तो आपको ये कैबेज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए अपने रिव्यूज़ भेजिए थैंक यू